हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स के विषय में बात करेंगे। जब हम पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके दोनों किनारों पर जो है भारत में पर्वत की श्रृंखलाएँ ऊँचे क्षेत्र हैं जिनको घाट कहा जाता है। जब हम प्रायद्वीपीय भारत को अगर देखें मैप पे इस तरह से, इस तरह से जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे का हिस्सा, यहाँ पर पश्चिमी किनारे पर ऊंची श्रृंखलाएं हैं जिनको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और यहाँ पर पूर्वी किनारे पर भी उससे कुछ कम ऊंची श्रृंखलाएं हैं जिनको पूर्वी घाट कहा जाता है। तो आज हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो पूर्वी घाट के विषय में डिस्कस करेंगे। पूर्वी घाट हमारे जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी सीमा के किनारे किनारे भारत में स्थित हैं और इनको घाट कहा जाता है। इनके साथ साथ में मैदान की एक लंबी पट्टी भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहने का मतलब इस तरह से है कि अगर ये भारत है तो इधर भी पर्वत की एक श्रृंखला है और पश्चिम तरफ भी पर्वत की एक श्रृंखला है, और ये दोनों आकर के एक जगह मिल जाते हैं। इसके बाद फिर से एक पर्वत की यहाँ पे श्रृंखला है। तो जो पश्चिम की तरफ एक पर्वत का ऊंचा क्षेत्र है इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और जो पूरब की तरफ एक पर्वत की श्रृंखला है पूरी, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जिस पे अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, सतत है या नहीं है। और ये दोनों आ करके जहाँ पर मिलते हैं ये एक गांठ है जिसको कहा जाता है नीलगिरी। इसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है और इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है नीलगिरी को। नीलगिरी पश्चिमी घाट का हिस्सा है नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद में जितने भी इधर और पर्वत हैं दक्षिण भारत के वो सभी पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। इसीलिए इसको हम पूरा जब पश्चिमी घाट की क्लास करेंगे तब डिस्कस करेंगे। नीलगिरी से स्टार्ट होता है पूर्वी घाट और उड़ीसा उड़ीसा तक जाता है, इस पर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बाद में एक मैदान भी है, क्योंकि नदियां अपने साथ अवसाद को लेकर के आती हैं और किनारे किनारे जमा करती हैं। इसलिए दोनों तरफ भारत के दोनों जो है समुद्र तटों पर एक लंबी मैदान की पट्टी भी पाई जाती है। तो ये तटवर्ती मैदान है, ये पूर्वी तट मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। ये चौड़ा है, चौड़ा इसलिए है क्योंकि इधर की तरफ बहुत सारी नदियाँ आती हैं, लंबी दूरी से चल करके आती हैं और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को काट करके लाती हैं, जिससे ये चौड़ा मैदान बनाया गया है। लेकिन जो पश्चिमी घाट की तरफ का मैदान है वो पूर्वी तट से पतला है, सकरा है, क्योंकि इधर ये जो पश्चिमी घाट है ये अत्यधिक ऊँचा है, पूर्वी घाट कम ऊँचा है, और यहाँ से जो नदियाँ हैं वो कम दूरी तय करती हैं और बहुत तेज़ी के साथ आती हैं। इसीलिए इधर का जो मैदान है, जो पश्चिमी तटीय मैदान जिसको कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान, इस पर हम अलग क्लास करेंगे जिसमें हम पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को अलग से डिस्कस करेंगे, वो एक अलग चैप्टर होगा। तो यहाँ पर चूँकि नदियाँ कम दूर से आती हैं, इसीलिए जो है कम दूर से इसलिए आती हैं क्योंकि ये ढाल इधर को है। हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूरब की तरफ है, पूरब, तो इसीलिए ज़्यादातर नदियाँ पूरब की तरफ जाती हैं। केवल कुछ नदियाँ ही जो है वो किनारे से कम दूरी तय करते हुए अरब सागर में आती हैं। इसीलिए चूँकि वो कम दूरी से आती हैं तो उनके साथ लाया गया अवसाद यानी कटी हुई चट्टाने कम होती हैं। और दूसरी चीज़ है, पश्चिमी घाट बहुत ऊँचा है, 45 डिग्री का ढाल है यहाँ पर, इसको हम देखेंगे जब पढ़ेंगे, तो इधर रफ्तार भी नदियों की तेज़ होती है, तो जो भी अवसाद वो लाते भी हैं वो समुद्र में बहुत तेज़ी से फेंक दिया जाता है। इसीलिए जो पश्चिमी तट की तरफ नदियाँ आती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि वो अपनी साथ कम मिट्टी ला पाती हैं, और जो इधर पूरब की तरफ नदियाँ आती हैं वो डेल्टा भी बनाती हैं और इधर चौड़ा मैदान डेवलप हुआ है। खैर,
ये चीज़ हम मैदान के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको ये चीज़ समझानी थी कि प्रायद्वीपी भारत के दोनों किनारों पर पर्वत की लंबी श्रृंखलाएँ हैं जिनको घाट कहा जाता है, पूरब की तरफ पूर्वी घाट, पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट। दोनों ही श्रृंखलाओं की उत्पत्ति, चट्टाने, ऊंचाई सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दोनों पर्वत नीलगिरी में आकर के मिल जाते हैं और नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है और इधर जितने भी आगे और दक्षिण भारत में पढ़ेंगे वो सब पश्चिमी घाट के ही हिस्से हैं। तो आज की इस क्लास में हम ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट पे डिस्कस करेंगे। तो अगर इसको हम एक आउटलेयर इसकी बनाएं, सबसे पहले इसको हम डायग्रामेटिक रूप से समझते हैं जहाँ से आपकी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हल होंगे और आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगा। अगर हम इधर से इधर का पूरा एक डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। अरब सागर है पहले, अरब सागर के बाद में एक मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र के बाद में 45 डिग्री से उठता हुआ एक ऊंचा कंगार है, इसको जो है इस तरह से कंगार है, ये है पश्चिम तटीय मैदान। ऐसे ही आप बनाएंगे पश्चिम तटीय मैदान। इसके बाद में ये जो ऊंचा क्षेत्र है जो लगभग 45 डिग्री की ढाल लिए हुए है, ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और इसके बाद में ये एक जेंटिल स्लोप है, हल्के हल्के ढाल है, यानी एक मंद ढाल है पूरब की तरफ, और फिर एक पर्वत की श्रृंखला है जिसको कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और इसके बाद में फिर एक मैदान, उसके बाद समुद्र, और इधर भी समुद्र है। ये क्या है? अरब सागर, अरब सागर। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये है पूरब आपका और ये है पश्चिम। ये यहां का हमने बताया कि यहां से मैदान, मैदान के बाद पर्वत, पर्वत के बाद में पठार, और पठार के बाद में फिर पर्वत और फिर मैदान। यही तो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले मैदान, मैदान के बाद में पश्चिमी घाट पर्वत, उसके बाद में पठार। और ये पठार कौन सा है बीच का? ये है दक्कन, दक्कन पठार। इसको अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पूरे दक्कन पठार में कई हिस्से हैं, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्रा का पठार, जो सब नाम है वो सब दक्कन के पठार में हम पढ़ेंगे। और इसकी ढाल किधर को है? पश्चिम से पूरब की तरफ है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर चित्र से देख सकते हैं और यही क्वेश्चन आपके बनेंगे भी। अब यहाँ पर ऊंचाई का जो हमने रेशियो यहाँ पर बनाया है उस पर आप गौर करें तो पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और फिर धीरे धीरे पूरब की तरफ ढाल मंद होता है और पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है, ऊंचाई इसकी कम है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। पूर्वी घाट की ऊंचाई इसलिए कम है क्योंकि यह पुराना है, पुराना है तो इसको नदियों के द्वारा बहुत ज़्यादा अपरदित कर दिया गया है। अब यह जो है घिस पिट करके एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई पड़ता है। अवशिष्ट पर्वत आरावली भी है, आरावली सबसे पुराना है, और ये जो पूर्वी घाट है ये भी एक वलित पर्वत है और ये भी अब घिस पिट चुका है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है प्रायद्वीपी भारत का। अब हम बात करें पूर्वी घाट पे, इसको आप ऐसे ही बना लीजिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि पूरब से पश्चिम जो है इन चट्टानों का और भौतिक प्रदेशों का क्रम क्या है। ये भी आप मार्क कर लें, ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ ये चीज। तो ये बन करके आता स्ट्रक्चर है। देखिए पूर्वी घाट एक वलित पर्वत है। सबसे पहले तो यही हम जाने कि जो पूर्वी घाट का पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है। वलित पर्वत क्या होते हैं? वलित पर्वत कभी किसी जगह पर किसी एक छिछले जली क्षेत्र में अवसाद जमा हुए, अवसाद का मतलब है नदियों के द्वारा
काट काट करके जो मिट्टी लाई जाती है, जमा की जाती है, उसे अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स। तो किसी छिछले जली क्षेत्र जिसको सिंकलाइन कहा जाता है, जियो सिंकलाइन, उसमें इकट्ठा हुए और उसमें फिर दबाव दोनों तरफ से पड़ने की वजह से फोल्डेड माउंटेन्स, वलित पर्वत बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये वलित पर्वत है, ये है पूर्वी घाट, तो यह एक वलित पर्वत है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, एक एक चीज़ को समझते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। पूर्वी घाट क्या है? एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत, वलित पर्वत क्या होते हैं? जो वलन पड़ने से बनते हैं। तो किसी न किसी जियो सिंकलाइन में बना होगा। वलित पर्वत बनने के लिए जियो सिंकलाइन होना चाहिए। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे कौन सी भूसन्नति रही होगी जिसमें ये पर्वत बना है? तो ये पर्वत बना कैम्ब्रियन पीरियड में। देखिए, ये बना था कैम्ब्रियन पीरियड में। और किस भूसन्नति में बना? तो ये बना कुडप्पा भूसन्नति, कुडप्पा भूसन्नति यानी कुडप्पा जियो सिंकलाइन सन्नति में बना। अब देखिए, एक हमने यहाँ पर आपको बताया था, गुजरात से शुरू होती है एक रेंज, राजस्थान पार करती हुई हरियाणा दिल्ली तक जाती है, आरावली। आरावली, आरावली एक वलित पर्वत है जो बना था प्री कैम्ब्रियन में। पिछली आप क्लास याद करें अगर, तो आरावली को हमने बताया था कि ये सबसे पुराना वलित पर्वत है। ये क्या है? सबसे पुराना वलित पर्वत, याद है आपको? सबसे पुराना वलित पर्वत है। और वर्तमान में इसकी सिचुएशन क्या हो गई है? ये बहुत ज़्यादा घिस गया है और इसको अब कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत, यानी रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। अगर आपसे क्वेश्चन कभी आता है कि भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप चाहे विश्व का आए और चाहे भारत का आए तो आरावली को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर कभी आरावली विकल्प में ना हो, जैसा कि आजकल बहुत किया जा रहा है, आजकल के प्रश्नों में आपसे ऐसा करते हैं जो टॉप के 1, 2, 3 होते हैं वो हटा देते हैं, क्योंकि टॉप वाले सबको याद है, तो सेकंड वाला ऑप्शन रख देते हैं और फिर पूछते हैं इनमें से सबसे पुराना कौन सा है। तो आरावली के बाद में, आरावली बना था आपका प्री कैम्ब्रियन में। ये क्या बना था? कैम्ब्रियन से पहले, यानी प्री कैम्ब्रियन, ये प्री कैम्ब्रियन में बना था। और इसके बाद में बना था पूर्वी घाट, इसके बाद में पूर्वी घाट बना जो कैम्ब्रियन में बना। तो कभी अगर आरावली विकल्प में नहीं है तो फिर आरावली के बाद में भारत में सबसे पुराना जो पर्वत है वो है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट भी आजकल जो है ये काफ़ी घिस गया है। ये चीज़ आप अगर न जानते हो तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, पहले इसके विषय में कुछ जानकारी ले लें, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। वलित पर्वत आपने समझ लिया, वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत कब बना था? कैम्ब्रियन पीरियड में बना था। और वलित पर्वत है तो किसी भूसन्नति में, जियो सिंकलाइन में बना होगा, तो कुडप्पा जियो सिंकलाइन में बना। और कुडप्पा जो है वो आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसी के नाम पे इसको कुडप्पा भूसन्नति कहते हैं। अब कुडप्पा भूसन्नति में ना वर्तमान में सिचुएशन क्या है इसकी, इस पर्वत की? तो वर्तमान में, वर्तमान में क्या हुआ है, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा अत्यधिक, अत्यधिक एक तो घर्षित हो गया है यानी घिस गया है, घर्षित एवं कट छट गया है, कट छट गया है। जैसे कभी ये पर्वत इस तरह से रहा होगा, लेकिन बहुत सारी नदियों के द्वारा इसको ब्रेक कर दिया गया है इस तरह से, अब ये टुकड़ों में हो गया है, पूरा सतत नहीं है। वेस्टर्न घाट को आप जब देखेंगे तो वेस्टर्न घाट सतत है, वो बहुत ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो बहुत ज़्यादा नदियों के द्वारा काट दिया गया है। क्या रीजन है? क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि वेस्टर्न घाट सतत यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि पूर्वी घाट कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, तो इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन ये है कि प्रायद्वीपी पठार की अधिकतर नदियाँ पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। आप देखेंगे कि गोदावरी वगैरह निकलती तो वेस्टर्न घाट से हैं, निकलती यहाँ वेस्टर्न घाट से हैं, लेकिन वो जाती पूर्वी घाट की तरफ है, पूरब की तरफ जाती हैं नदियाँ। आप देखते हैं मैकाल से निकलती है महानदी, वो भी इधर को ही जाती है। आप देखते हैं कृष्णा, आप देखते हैं कावेरी, यानी कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपी भारत की जितनी भी प्रमुख बड़ी नदियां हैं, सिर्फ प्रमुख दो नदियों को छोड़ करके, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि नर्मदा और ताप्ती, एक कौन सी, नर्मदा और एक ताप्ती, दो प्रमुख नदियों को छोड़ करके बाकी जितनी भी बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीपी पठार की, वो सभी पूरब की तरफ जाती हैं। तो दो नदियां पश्चिम की तरफ क्यों जाती हैं, क्योंकि वो एक विशेष ढाल, यानी वो अपने में भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में, और रिफ्ट वैली का ढाल पश्चिम की तरफ है, अरब सागर की तरफ, इसीलिए वो दो नदियां अपवाद हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी नदी अरब सागर की तरफ नहीं आती है इस प्रायद्वीपीय पठार से। जितनी भी बड़ी नदियां हैं, चाहे वो आप ले लें महानदी, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट नहीं रटे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आंसर आपका अच्छे नंबर लाएगा, उसमें फैक्ट आप डालें या ना डालें, आप भले ही किसी नदी का नाम भूल जाएं, और आप सिर्फ इतना कहते हैं कि प्रायद्वीपी भारत की सभी प्रमुख बड़ी नदियाँ जो प्रायद्वीपी पठार का ढाल है वो पूरब की तरफ है, इसीलिए पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब अपने उदाहरण को, एक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण चाहिए। अगर आपके पास है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चार नदियों के नगर नाम आपने दे दिए, तो आपके समर्थन में एक फैक्ट आ गया। नहीं भी अगर है, एक भी आप नदी का नाम दे पाते हैं, तो सो गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, नदियों के नाम जानना आवश्यक नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो महानदी है, गोदावरी है, नदियाँ जब हम पढ़ेंगे तो सभी पढ़ेंगे, कृष्णा है, कावेरी है, ये प्रमुख नदियाँ हैं इधर की, तो ये सभी पूरब की तरफ जाती हैं, और इन नदियों के द्वारा पूर्वी घाट पर्वत को अत्यधिक काट दिया गया है, और इस वजह से पूर्वी घाट जो है वो सतत रूप में नहीं पाया जाता है, टुकड़ों में पाया जाता है। तो हमने क्या लिखा, वर्तमान में नदियों द्वारा अत्यधिक घर्षित एवं कट छट गया है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के आप लिख दें, महानदी, देखिए आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आप कभी नोट्स बनाएं, तो अगर आप कुछ चीज़ों के नाम लिखते हैं, अगर उनमें कोई क्रम है तो उसको हमेशा क्रम से लिखने की कोशिश करें। तो नदियों के नाम जब हम लिखेंगे तो महानदी, यानी हम उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लिखेंगे, महानदी, गोदावरी, इसे आपको लगता है कि आपने सिस्टमेटिक पढ़ा है, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों से ये पर्वत अत्यधिक कट छट गया है, और इसीलिए क्या है, असतत रूप से, असतत यानी डिसकंटिन्यू फॉर्म में, असतत रूप में पाया जाता है। सिर्फ आपको इतना ही लिखने को दिया जा सकता है एक प्रश्न, कि पूर्वी घाट जो है वो असतत क्यों है, इतने को ही 100 शब्दों में डिफाइन करना पड़ जाएगा आपको, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको थ्योरी लगानी पड़ेगी। सिर्फ इतना कह देना कि नदियों के द्वारा कट छट गया है काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि यह ब्रिलियंट आंसर नहीं होगा। आंसर ये होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रायद्वीपी पठार की ढाल इधर है, तो प्रायद्वीपी पठार की ढाल क्यों है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल क्यों है, तो वो भी आप समझ लीजिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल क्यों है। तो पहले आप पॉइंट नोट कर लें, असतत रूप से पाया जाता है, प्रायद्वीपी पठार की ढाल, अब प्रायद्वीपी पठार की ढाल, जब हम प्रायद्वीपी पठार की बात करते हैं तो पूरे पठार की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे पठार हैं बीच में, लेकिन टोटल जो ढाल है वो पूरब की तरफ है। प्रायद्वीपी पठार की ढाल किधर की तरफ है, पूरब की तरफ है, क्यों है, अब इसको आप समझ लें, लिखें या ना लिखें आप समझ लें, कि हमने आपको बताया था, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो काफ़ी मैं समझूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आपकी समझ में आ जाता है पीछे, कि आपने मेरी सारी क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी की
अगर देखी होंगी कायदे से तो आप शायद जान भी गए होंगे, लेकिन इसको आप समझ लें। हमने आपसे बताया था कि कभी ये इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो अफ्रीका से लगा हुआ था, गोंडवाना लैंड से। जब ये वहाँ से टूटा और यूरेशिया में टकराया तो कुछ इस तरह से घटना रही होगी, ये यूरेशिया रहा होगा। चीज़ समझ लेंगे तो आप अपने आप लिख लेंगे, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से जब ये इंडिया का ये टुकड़ा आ करके टकराया होगा, तो टक्कर हुआ, जब टक्कर होने से यहाँ पर फॉल्ट था, यहाँ पर कई पार्ट में चटका हुआ था ना, कई भ्रंश इसमें है, तो ये पार्ट सबडक्ट हुआ, ये पार्ट नीचे गया। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में टकराती है, जैसे कि एक ये प्लेट हुई इंडिया की, एक इधर से प्लेट हुई, तो इंडिया की प्लेट हमने आपको बताया था नीचे गई, तो जब दो चीज़ों की टक्कर होगी और दबाव पड़ेगा तो अगर प्लेट में कहीं कमजोरी है तो वो टूट जाएगी वहाँ से। तो इंडिया की प्लेट यहाँ से ब्रेक हुई और ये बीच में दब गई, इस वजह से ये भाग उठ गया, यहाँ ये भाग जो है वो उठ गया ऊपर की तरफ, यहाँ पर डाउन हुआ, यहाँ पर डाउन हुआ और ये पार्ट पश्चिम वाला पार्ट जो है वो उठ गया इस तरह से। और उठने की वजह से ही ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम की तरफ ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये केरल तक फैला हुआ आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ता है, ये कोई पर्वत नहीं है, ये भ्रंशोथ कंगार है। कंगार का मतलब है ये उठा हुआ हिस्सा है। थोड़ा सा और चीज़ देखें, ये जब कभी अफ्रीका में रहा होगा और ये टुकड़ा इस तरह से जब टूटा होगा तो इधर का भाग कंगारी भाग रहा होगा। देखिए ऐसे ये टुकड़ा इसमें लगा होगा तो जाहिर सी बात है, देखिए इसको समझ लें, जब अफ्रीका में ये टुकड़ा लगा होगा तो इधर तो मैदान डेवलप हुआ होगा, इधर नदियाँ आती होंगी, तो इधर तो मंद ढाल रहा होगा, इधर की तरफ ढाल रहा होगा, लेकिन इधर जब टुकड़ा टूटा तो सीधा टूटा होगा, इसीलिए जो पश्चिमी घाट है वो सीधा कटा हुआ है, उधर की तरफ ढाल है इसका। उसके बाद जब ये यहाँ पे आया टकराया तो ये और उठ गया, इधर उठ जाने की वजह से ही पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ, पश्चिमी घाट इस तरह से। ये टुकड़ा था और ये यूरेशिया का टुकड़ा था, जब ये टकराया तो ये बीच में यहाँ अंदर गया, बीच में झुक गया और इधर इस तरह से उठ गया, इसीलिए पश्चिमी घाट जो है वो यहाँ ऊंचा है और इधर गुजरात तक आते आते यहाँ पर डाउन हो गया है, यहाँ पर दो रिफ्ट वैलियाँ हैं, इसीलिए जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं वो इधर ही ऊंचे पाए जाते हैं। ये ऊंचा हुआ भाग यही पश्चिमी घाट कहलाया और ये इस तरह से है, ये इस तरह से ऊंचा उठ गया और इस तरह से ढाल है, ये एक कंगार है। ये क्या है? कंगार। और ये कितना है? 45 डिग्री कंगार है। इसको हम पश्चिमी घाट में और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि इस वजह से, इस टक्कर की वजह से भारत का पश्चिमी क्षेत्र ऊंचा उठ गया और इसी वजह से पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल हो गई और सभी नदियाँ पूरब की तरफ प्रवाहित होने लगीं और इन्हीं नदियों के कटने से पूर्वी घाट काफ़ी कट छट गया है। चलिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि पूर्वी घाट क्यों कटा छटा है और नदियाँ उधर क्यों जाती हैं। अब हम बात करें कि और क्या क्या विशेषताएँ हैं पूर्वी घाट की। तो अगला पॉइंट आप नोट करिए, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से पुराना है। पहले तो आप ये लिखें कि इससे ये पुराना है, क्योंकि ये पर्वत पहले बना था और ये टकराने के समय ऊंचा उठा है। ये एक वलित पर्वत है, पहले से बना हुआ था, और इधर का जो है वलित पर्वत नहीं है, ये उठ जाने की वजह से बाद में बना है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से पुराना है लेकिन कम ऊंचा है, क्योंकि ये कट गया है, कम ऊंचा है। किस प्रकार की इसमें चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट और कुडप्पा चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए, कुडप्पा यानी कोयला यहाँ की घाटियों में पाया जाता है, नदी घाटियों में।
नदी घाटियों में कोयला यहाँ पाया जाता है। हम देखेंगे महानदी, गोदावरी, इन सब नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है। तो पूर्वी घाट के विषय में ये पॉइंट हो गया। अब इसमें कुछ फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, हालांकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का रेफरेंस आपको देना होता है और कभी आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इसकी औसत लंबाई क्या है? औसत लंबाई तो आप लिखें ओडिशा से, ओडिशा, ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना में भी इसका विस्तार है, और तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक ये लगभग, यानी इन सब प्रदेशों में ये फैला हुआ है, और ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। अलग अलग पुस्तकों में आपको लंबाई और ऊंचाई से संबंधित अलग अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई और चौड़ाई के आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं और ये लगभग में होते हैं, क्योंकि भौतिक प्रदेशों की एग्जैक्ट लंबाई को मापना बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग विचारकों के अलग अलग इसमें राय होते हैं। जैसे कि कोई एक पर्वतीय प्रदेश होता है इस तरह से, तो उसमें कहाँ से नापना शुरू किया जाए, किसी विचारक का मानना है कि यहीं से हम पर्वत समझ लें तो यहाँ से नापा, उसने कहा नहीं यहाँ तक तो पर्वत नहीं लग रहा है, यहाँ से नापेंगे, कोई यहाँ से यहाँ तक नापता है, कोई यहाँ से शुरू करता है। तो ये सब अलग अलग विचारकों के विचार होते हैं, इसीलिए इसमें लंबाई के लिए आप कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लगभग में आपका होना चाहिए कि 1300, 1400, 1200, 1100, 1500 में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप इसको 5000 ना लिख दें, 2000 ना लिख दें, 150 किलोमीटर का कोई अंतर नहीं मायने रखता है। लगभग इसीलिए शब्द लगा दिया जाता है कि लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है, और औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी लगभग 650 मीटर है औसत ऊंचाई। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर, अभी हम सभी चीज़ मैप पे आपको समझाएंगे पूरा, आप कुछ चीज़ें नोट कर लें पहले जो नोट करने वाली हैं। सर्वोच्च शिखर इसका है जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा ये जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम में, कहाँ है? विशाखापट्टनम। ये लगभग 1680 मीटर ऊंचा है। और सेकंड जो है महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी जो है ओडिशा में, ये ओडिशा का सर्वोच्च शिखर है, पश्चिमी पूर्वी घाट में ये भी है, ओडिशा में है, 1501 मीटर। दो आप याद रखें प्रमुख इसके शिखर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जिंदगढ़ आंध्र प्रदेश का सर्वोच्च है, और ईस्टर्न घाट का भी सर्वोच्च है, और महेंद्रगिरी ओडिशा का सबसे ऊंचा है, 1501 मीटर ऊंचा। अब ये ऊंचा क्षेत्र है तो वर्षा भी प्राप्त करता है, पूर्वी घाट देखिए ऊंचा क्षेत्र है तो वर्षा भी प्राप्त करेगा, और वर्षा प्राप्त होने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियाँ जीव जंतु बहुत विविधता में पाए जाते हैं, यानी जैव विविधता से परिपूर्ण है पूर्वी घाट। 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि इधर देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून प्रवेश करता है वो इसमें टकरा करके इन क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर किससे वर्षा होती है? ये मानसून की कौन सी शाखा से होती है? जब मानसून आप पढ़ेंगे तो मानसून की दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो मानसून की बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा से प्रमुख रूप से ये वर्षा प्राप्त करता है, और इतनी वर्षा अच्छी वर्षा कहलाती है। इस वजह से क्या है,
वनस्पतियों से परिपूर्ण है, खूब वन वगैरह पाए जाते हैं, यानी जैविक विविधता यहाँ पर बहुत है। अक्सर आप न्यूज में भी रहता है ये, क्योंकि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में अच्छी खासी वर्षा होती है, ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, रहने लायक भी है, तो यहाँ पर बहुत जनजातियाँ भी निवास करती हैं। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक हर प्रदेश में जनजातियों के चैप्टर में हम पढ़ेंगे भूगोल में कि कौन से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और कुछ सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, शुष्क टाइप के सदाबहार वन भी पाए जाते हैं यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जैविक विविधता बहुत है। आप देखोगे इस क्षेत्र में बहुत सारे नेशनल पार्क्स वगैरह भी हैं, बायो रिजर्व भी हैं तमिलनाडु में, इधर सिमलीपाल आप देखोगे उड़ीसा में, जब हम उसका चैप्टर करेंगे तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व क्षेत्र भी इसमें इसी ईस्टर्न घाट में स्थित हैं, जैसे सिमलीपाल उड़ीसा। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए एक विशेषता और है इसकी, वो विशेषता ये है कि जो ये वेस्टर्न घाट हैं, अभी इसको डायग्राम पे पूरा हम समझेंगे, लेकिन आप थोड़ा यहाँ से समझें कि ये एक नदी है महानदी, और इसके बाद है गोदावरी, और गोदावरी के बाद में है कृष्णा, और यहां मान ले हम कावेरी। तो ये जो महानदी से गोदावरी के बीच का क्षेत्र है, इसमें तो ये सतत पाया जाता है। गोदावरी और कृष्णा का जहां मुहाना है, यहां पर ये पाया ही नहीं जाता है, और कृष्णा के बाद में ये बहुत कटा छटा पाया जाता है, ये एक विशेषता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि पूर्वी घाट महानदी से स्टार्ट नहीं होता है इधर भी, लेकिन महानदी से गोदावरी तक पर्वत रूप में है। यानी अगर पर्वत कह सकते हैं तो इतने ही क्षेत्र को कह सकते हैं, और यहीं पर सर्वोच्च शिखर भी हैं, जो भी हैं वो महानदी से गोदावरी तक ही हैं, बाकी जो हैं उसको पर्वत नहीं कह सकते, वो सब पहाड़ियां हैं। शेष जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है, यानी महानदी से लेके गोदावरी के बीच का जो है उसी को हम पर्वत रूप में कह सकते हैं, और सतत है, कंटिन्यू है। और जो गोदावरी से कृष्णा है, यहां पर पूर्वी घाट नहीं पाया जाता है, ये नोट करें कि गोदावरी और कृष्णा नदी मुहाने क्षेत्र में ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट नहीं है, है ही नहीं बिल्कुल। यहां सब काट दिया इन नदियों, इनकी सहायक नदियों ने पूरा काट छांट के सब मैदान कर दिया यहां पर। इसके बाद कृष्णा नदी के बाद में जितना भी कावेरी तक है वो बहुत सारी नदियों के द्वारा काटा गया है, इसको भी डायग्राम पे हम देखेंगे अभी। इसके बाद में जो है वो पहाड़ियों के रूप में है। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये डायग्राम आप कहीं पे बनाने की जरूरत नहीं, उसको हम भी वहां पूरा बनाएंगे, ये समझाने के लिए आपको बताया हमने। तो कृष्णा नदी के बाद में, क्योंकि ये सब आपको लिखना पड़ेगा जब आप पूर्वी घाट पे लिख रहे होंगे, कृष्णा नदी के बाद में तमिलनाडु तक पहाड़ियों के रूप में है, कटा छटा ये भी है रूप में है। तो इतने चीजें बहुत हो गई पूर्वी घाट के विषय में, जितनी आपने जान ली। अब मैप पे इसको हम समझते हैं, इतना चीजें आपने सब देख ली, बाकी चीजें जो समझने वाली हैं वो मैप पे आप समझ लेंगे, और अपने हिसाब से उसको आप नोट करते रहिएगा। चलिए मैप को अच्छे से अगर आप बना लेंगे तो सारी चीजें मैप में ही आ जाएंगी आपकी, और आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुजरात का काठीवाड़ क्षेत्र है, और इस तरह से आपने ये प्रायद्वीपी भारत बना दिया, और ये इस तरह से ये आपका बन गया पूरा।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्टेट बना दें, थोड़ी सी स्टेट की जानकारी आपको दे दें, तो इस तरह से आप जानते हैं कि ये केरला है। केरला के बाद में आप यहाँ जानते हैं कि इस तरह से तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद में आप देखते हो कि इस तरह से आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर आप ऐसे तेलंगाना देखते हैं, और यहीं आंध्र प्रदेश से छोटा सा बॉर्डर लगाता हुआ ऊपर छत्तीसगढ़ चला जाता है इस तरह से, और ये उड़ीसा, इस तरह से उड़ीसा का क्षेत्र और ये छत्तीसगढ़। बाकी इधर आप देखोगे कर्नाटक और महाराष्ट्र और फिर ये गुजरात, इस तरह से इंडिया है। आप इसको मोटा मोटा अगर ऐसे समझ लें, ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इधर से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इतना देखना है आज उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, यही हमारा पूर्वी घाट पूरा फैला हुआ है। इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है। अच्छा, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात और समझ लें। अगर कभी कथन में आईएएस के क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह से दे देते हैं कि वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी अगर आपको कथन दे दे कि पूर्वी घाट का कुछ भाग केरल में भी है, तो अभी आपने क्या लिखा कि तमिलनाडु तक है लेकिन कुछ भाग इसका केरल में टच करता है आकर के, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, वो लिखने योग्य नहीं है। और कुछ इसका भाग जो है वो उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल में भी टच करता है जाकर के। तो अगर कभी कथन में दे दे कि पूर्वी घाट का कुछ भाग केरल में भी पाया जाता है, तो कथन सही है वो, क्योंकि पाया जाता है, लेकिन मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन जब कथन में आ जाएगा तो उसको रॉन्ग नहीं कह सकते आप मेंस के दृष्टिकोण से। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कई विकल्पों में आपको फंसाने के लिए बना दिया जाता है। तो यहाँ भी है थोड़ा सा, थोड़ा वेस्ट बंगाल में भी पहुँचता है, लेकिन है एक्चुअल में उड़ीसा से तमिलनाडु तक ही ये मार्क किया जा सकता है। कभी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पर आप देखोगे महेंद्रगिरी या नीलगिरी, या यहाँ पे आपको हम कल की क्लास में बताएंगे बहुत सारे पर्वत, उनको पूर्वी घाट में पूछ लिया जाता है कि क्या ये पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो बहुत कायदे से जितने पर्वत मैं बताऊंगा उतने आप ध्यान रखिएगा, वो पूर्वी घाट के हिस्से हैं, बाकी जो बचे हुए हम वेस्टर्न घाट में पढ़ेंगे। तो किस श्रृंखला में कौन से पर्वत आते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, किस स्टेट में आते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट से मैच करने के लिए दिया जाएगा। और नदियों का भी बंटवारा आप अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी बुक में अच्छे से आपको मिलेगा नहीं। देखिए सबसे पहले तमिलनाडु है आपका, तो तमिलनाडु में दो पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू से हम बनाएंगे रिवर्स। देखिए तमिलनाडु में जो सबसे पहली चोटियां हैं वो कावेरी नदी के बाद में है। एक नदी है, आपको इस तरह से आप बनाएं, मैप में ही पूरा बना ले, एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ डायग्रामेटिक मैप है, और ये है कावेरी नदी, इसको आप लिखें कावेरी नदी, कावेरी नदी आपने लिख लिया। और यहाँ पर एक मार्किंग आप करें, इसको हम रेड पेन से बना देंगे, यहाँ पे एक क्षेत्र बनाएं आप इस तरह से, ये इसको आप लिख लें नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, इसको यहाँ पे ही दर्ज कर लें, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये किसमें है आता, पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन यहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको बनाएंगे, क्योंकि यहीं से पूर्वी घाट शुरू होता है। कावेरी नदी के बाद में पूर्वी घाट शुरू हो जाता है नीलगिरी के बाद, और पहली जो इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आप यहाँ पे बनाएंगे, इनको कहते हैं सेवेराय, सेवेराय पहाड़ियाँ, सेवेराय पहाड़ियाँ नीलगिरी से, यानी दोद्दा बेटा जो है, दोद्दा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर है, दक्षिण भारत का नहीं नीलगिरी का, तो इससे टच करती हुई कौन सी पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट की, सेवेराय की पहाड़ियां। सेवेराय की पहाड़ियों के बाद में एक नदी है, अगर नदियां नहीं होंगी तो फिर पर्वत कटा क्यों, फिर तो सतत होता ना, नदियों की वजह से ही तो कई टुकड़ों में कट गया है।
यहां पे नदी है आपकी पन्नेयार, पन्नेयार नदी, पन्नेयार नदी। इसके बाद में पन्नेयार नदी के बाद में फिर जो है पर्वत है आपका, इस तरह से बनाते जाएं, और ये है जावड़ी, जावड़ी पहाड़ियां। ये कहां हो गई? ये हो गई आपकी तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में एक और है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, यहां पर आप मान लें ये, और ये है इसको इधर ही नामांकन इधर करता हूं ताकि सभी एक तरफ हो जाएं। ये है मेल्लागिरी, मेल्लागिरी, ये है तमिलनाडु प्लस कर्नाटक के बॉर्डर पर है ये मेल्लागिरी, यहां पर बॉर्डर पे। इसके बाद में जावड़ी की पहाड़ियों के बाद में फिर जो है वो एक नदी है। देखो नदियों की एग्जैक्ट लोकेशन मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ कि कहाँ से निकलती हैं कहाँ जाती हैं, सिर्फ डिवाइडेशन के लिए नदी बता रहा हूँ। जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट हम बताएंगे कहाँ से निकलती हैं। अभी नदियाँ कहाँ से निकलती कहाँ जाती इस पर आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस जावड़ी पहाड़ियों के बाद में फिर एक नदी है जिसका नाम है पालार नदी, तमिलनाडु में ही पालार नदी। पालार नदी के बाद में फिर कट गया पर्वत, तो अब आंध्र प्रदेश शुरू हो गया, और आंध्र प्रदेश में जो सबसे पहली पड़ेगी वो है नागरी। क्या होगा? नागरी पहाड़ियां, नागरी पहाड़ियां। एक है पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामाला, ये कौन सी हैं? पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामाला, ये सभी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां सब आंध्र प्रदेश में। कौन कौन सी? नागरी, नागरी के बाद में पालकोंडा, पालकोंडा के बाद में वेलकोंडा, वेलकोंडा के बाद में नल्लामाला। ये क्रम भी आप याद रखिएगा किस तरह से क्रम में है। और यहीं पे एक एरामाला, एरामाला यहीं पर एक मिलेगी आपको, एरामाला, एरामाला। तो ये हो गई आपकी सभी आंध्र प्रदेश में। जावड़ी के बाद में पालार नदी के बाद में, पालार नदी के बाद में नागरी पहाड़ियां, नागरी के पहाड़ियों के बाद में पालाकोंडा, और पालाकोंडा के बाद में एक फेमस और रिवर है जिसको आप यहां पर लिख लें, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी वेलकोंडा पालकोंडा को अलग करती है, पेन्नार नदी। बाकी और नदियां जानने की जरूरत नहीं है, यहां पे कौन कौन सी नदियां हैं वो सब बाद में हम पढ़ेंगे। मुख्य जो नदियां हैं आपसे पूछा जा सकता है कि जावड़ी पहाड़ियों और सेवराय पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी है, तो पेन्नार नदी, पोन्नार। और ये देखिए पोन्नार और पेन्नार दो नदियां हैं, ये एक ही जैसे नाम उच्चारण वाली हैं। तो ये पेन्नार जो है वो वेलकोंडा पालकोंडा के बीच में है, और पोन्नार, पोन्नार जो है वो जावड़ी और सेवराय के बीच में है। तो यहां तक ये हो गया, और ये आपकी कहां पर आ गई? ये आंध्र प्रदेश में है सभी, एरामाला से लेकर के और नागरी पहाड़ियों तक। ये कहां है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में आ गया। इसके बाद में जो एरिया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, यहां पर नहीं है पर्वत, यानी नल्लामाला पहाड़ियों के बाद में गैप है, और वो गैप किसकी वजह से है? वो गैप जो है दो नदियों की वजह से है। एक नदी है आपकी गोदावरी और एक है कृष्णा। कौन सी दो नदियां हैं? एक है गोदावरी और एक है कृष्णा नदी,
ये नदियों के दो मुहाने हैं, इस वजह से यहाँ पर नल्ला माला के बाद में कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर एक झील है, आप बताइए गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में एक बहुत फेमस झील है, उस झील का नाम आप कमेंट करके हमें बताएं कि वो आंध्र प्रदेश में स्थित एक झील है जो गोदावरी के मुहाने और कृष्णा नदी के मुहाने के बीच में है। आप मैप में एटलस में देखिएगा, यहाँ पर एक बहुत फेमस झील है, तो उस झील का हमें नाम बताइए। इसी वजह से यहाँ पर ये चूँकि दो नदियाँ बराबर में आ गई, दोनों बड़ी नदियाँ हैं, इस वजह से काफ़ी गैप है खाली। और इसके बाद में उड़ीसा में शुरू होता है, और उड़ीसा में जो सबसे पहला पड़ेगा यहाँ पे वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, और ये 1501 मीटर ऊंचा है और उड़ीसा का सर्वोच्च है, आप लिख चुके हैं। अच्छा, पूरे वेस्टर्न घाट का एक सर्वोच्च हमने आपको बताया था जिंदगढ़ा, तो जिंदगढ़ा कहाँ पर है, वो यहीं जिंदगढ़ा जो है यहीं पर आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में ही, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आप इसको एक मार्क लगा करके बना लें, आंध्र प्रदेश में ही बना लें जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा 1680 मीटर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ही है जिंदगढ़ा। अब देखिए महेंद्रगिरी के बाद में एक नदी फिर है आपकी महानदी, प्रमुख नदियों को जरूर मार्क करेंगे, महेंद्रगिरी के बाद में कौन सी आ गई नदी, महानदी, ये महेंद्रगिरी यहां मैकाल से आ रही है, छत्तीसगढ़ मैकाल रेंज से, अमरकंटक से। महानदी के बाद में फिर से पर्वत पड़ेगा मलयगिरी, यहां पे इसको बोलते हैं मलयगिरी, मलयगिरी, और इसके बाद में आपको हमने बताया था एक गढ़जात पहाड़ियां, गढ़जात पहाड़ियां, तो ये उड़ीसा की कुछ प्रमुख हैं। यहीं पर आपकी जो है उदयगिरी नाम से भी पहाड़ियां हैं, और यहां पर एक मेघासिनी की पहाड़ियां हैं, कौन सी, मेघासिनी, एक्चुअल में मेघासिनी से ही प्रारंभ होता है ये पूर्वी घाट, मेघासिनी, मेघासिनी से लेकर के और नीलगिरी तक या शिवराय तक आप कह सकते हैं, ये पूरा पूर्वी घाट का एक स्ट्रक्चर है। इसको एक बार फिर से समझ लें ताकि आपको आसानी हो, मेघासिनी गढ़जात पहाड़ियां हैं, मलयगिरी है, और इसके बाद में महानदी है। कभी कभी आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा कि पूर्वी घाट महानदी से प्रारंभ होकर के यहाँ तमिलनाडु में आता है कावेरी नदी तक, तो नदियों के हिसाब से महानदी की बेसिन की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि महानदी के उस पार कुछ नहीं है, महानदी बेसिन की बात की जाती है। जब किसी नदी से कोई चीज़ का बंटवारा किया जाता है तो नदी का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, सिर्फ एक धारा को नदी नहीं कहा जाता है, नदी भूगोल की भाषा में नदी बेसिन जो होता है वो उसके आसपास का काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। तो महानदी बेसिन, महानदी बेसिन में ही ये मलयगिरी, गढ़जात पहाड़ियाँ, मेघासिनी सब इसी में आ जाते हैं। छोटा नागपुर पठार सब एरिया है ये, छोटा नागपुर पठार के बाद में आपकी गढ़जात पहाड़ियाँ बिल्कुल किनारे हैं, और यहीं पर आप देखेंगे तो आपको सुवर्णरेखा नदी मिल जाएगी। तो सुवर्णरेखा नदी या महानदी, महानदी जो है यहीं पर गढ़जात पहाड़ियों को काटती हुई मलयगिरी, महेंद्रगिरी जो उड़ीसा का सबसे ऊंचा शिखर है उड़ीसा में, यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, महेंद्रगिरी के जस्ट बाद में आंध्र प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और आंध्र प्रदेश में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो जिंदगढ़ा है जो 1680 है, और ये सबसे ऊंचा है पूरा पूर्वी घाट में। इसके बाद में गोदावरी और कृष्णा नदी का बेसिन है, गोदावरी और कृष्णा नदी काफ़ी चौड़ाई क्षेत्र में इस पूरे पर्वत को पूरा काट छांट के बराबर कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर कोई पर्वत नहीं पाया जाता है, झील एक है जो आपको बतानी है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में एरामल्ला, नल्ला मल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय नाम हैं। और उसके बाद में पालार नदी के बाद में आपका तमिलनाडु शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जावड़ी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, और भी क्षेत्रीय नाम है इसके, लेकिन उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना काफ़ी है, अगर इतना आप
लिख ले जाते हैं, बना लेते हैं, तो बहुत है, इतना आपके सभी क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें मौखिक आप समझ लीजिए जो पीछे हमने बताई हैं। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है, देखिए सारी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिखें, लेकिन अगर आपके पास समय है आप लिख सकते हैं, आपको लगता है हम भूल जाएंगे तो लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। भारत में अधिकांश वर्षा कॉन्सेप्ट है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? मानसून की दो शाखाएं हैं, हमने बताया कि भारत में मानसून जब बरस करता है, बारिश करता है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से। तो जो भारत का अधिकांश वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मानसून से प्राप्त होती है, इसीलिए पूर्वी घाट पे अच्छी खासी वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती, कहीं कहीं पे 200-250 सेंटीमीटर भी वर्षा होती है। मानसून को जब हम पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। इस बारिश की वजह से, पूरा जो वर्षा है इसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये चर्चा में रहता है पूर्वी घाट, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं, क्योंकि जैव विविधता वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की, वनों की और जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और पूर्वी घाट पे बहुत सी जनजातियाँ भी निवास करती हैं, हर एक प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, यहाँ उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तो वो सब अच्छी खासी जड़ी बूटियों के जानकार लोग हैं। बहुत सारे जड़ी बूटी, औषधि, पेड़ पौधे भी पाए जाते यहाँ पर हैं। यहाँ पर चूँकि महंगे कीमती वन पाए जाते हैं, इसमें जैसे कि आप एक उदाहरण के लिए लिखें, जैसे हमने ये मेलागिरी लिखा था, तो यहाँ चंदन बहुत पाया जाता है। जब वन वगैरह पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये चंदन का पर्वत है, बिल्कुल समझिए, मेलागिरी में चंदन बहुत पाया जाता है, इस क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र का है ये। तो इस तरह से लालच की वजह से बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। यहाँ पर कुछ अयस्क भी पाए जाते हैं, चूँकि इसमें कुड़प्पा की चट्टाने हैं, कोयला की बहुत खदान होती है। यहाँ पर कुछ धारवाड़ और ग्रेनाइट नीस भी है, जिसे इसमें बिंधन टाइप की भी चट्टाने हैं, क्योंकि ये अवसादी पर्वत से बना है, तो संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर भी कहीं कहीं से निकाला जाता है। आयरन का भी अयस्क इसमें पाया जाता है, क्योंकि आर्कियन और धारवाड़ चट्टाने हैं इसमें। तो खास करके तो कुड़प्पा चट्टाने ज़्यादा हैं पूर्वी क्षेत्र में, कोयला का बहुत क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ें हैं नहीं। तो इन सब का खनन, उत्खनन, पेड़ों की कटाई इत्यादि से पूर्वी घाट पर्वत जो है वो संवेदनशील हो गया है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक विनाश किया जा रहा है जो रोका जाना चाहिए। तो इस वजह से ये चर्चा में रहता है। दूसरी चीज़, वर्षा यहाँ पर आपने देखी प्राप्त होती है। यहाँ से ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ कुछ क्षेत्र में सदाबहार पन भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा के निकट का क्षेत्र है और वर्षा भी प्राप्त करता है, तो कुछ जो है यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। बाकी अर्ध पर्णपाती, शुष्क अर्ध पर्णपाती, शीत अर्ध पर्णपाती, यानी जो पत्ते गिरा देते हैं अपने, डेसिडुअस जिनको बोलते हैं, तो डेसिडुअस टाइप के वन पाए जाते हैं, और वनों से बहुत आच्छादित है ये पर्वत श्रेणी बारिश की वजह से। जो नदियाँ हैं यहाँ पर, महानदी, गोदावरी, इन सब नदियों में कोयला बहुत पाया जाता है। ये सब कुड़प्पा के क्षेत्र हैं, और कोयले का उत्खनन के लिए गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, और इसके ऊपर हमने आपको एक दामोदर बेसिन बताया था, तो ये सब जो नदी घाटियां हैं इनमें कोयला उत्खनन किया जाता है, कोयला बहुत निकाला जाता है। तो इस प्रकार से पूर्वी घाट को हमने समझ लिया है, आशा है ज़्यादातर चीज़ें आपने कैच कर ली होंगी। जब हम वेस्टर्न घाट को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि नीलगिरी और इधर के जितने पर्वत हैं वो सब पूरा वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। तो एक क्लास या मैक्सिमम दो क्लास और होंगी, और पठार और पर्वतीय क्षेत्र हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम अगला नेक्स्ट जो है सेक्शन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।